को भी रेस्टोरेंट जाकर वो बढ़िया सा टेस्टी पनीर की सब्जी पसंद आती है, तो आज मैं भी आपके साथ वही रेसिपी शेयर करने के लिए आई हूँ। और ये एक बेस करी है, इस करी से आप पनीर बटर मसाला, मक्खनी पनीर, कढ़ाई पनीर, हर तरह के पनीर की डिशेस हो या फिर आप चिकन की डिशेस अगर डालना चाहते हैं तब भी आप इस करी को यूज़ कर सकते हैं। बस तड़का अलग अलग तरह से लग जाता है। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये ईजी सी रेस्टोरेंट स्टाइल बेस करी की रेसिपी। सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल ले लिया है, साथ में डाला है इसमें जीरा, तेज पत्ता, सूखी हुई लाल मिर्च और डाल रही हूँ एक हरी मिर्च, जिंजर का टुकड़ा, 3-4 कलियाँ लहसुन की। अब थोड़ा सा इसमें खड़े मसालों को क्रैकल होने दूंगी और यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया है, रफली चॉप किए हुए प्याज लिए हैं, 4 से 5 छोटे साइज के प्याज थे, बड़े लेंगे तो 3-4 सफिशिएंट रहता है। अब जब ये प्याज को आपको मीडियम टू हाई फ्लेम पे इस तरह पिंकिश गोल्डन होने तक पकाना है, उसके बाद इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर प्याज की क्वांटिटी से थोड़ा ज़्यादा लूँगी, लाइक अगर वो 4 या 5 लिए थे तो ये 6 के करीब मैं टमाटर इसमें डाल दूँगी, क्योंकि टमाटर की ही जो बेस ग्रेवी है वो बहुत टेस्टी बनता है। और इस तरह से अब इसमें मसाले ऐड करूँगी, धनिया पाउडर, साथ में डालूंगी इसमें हल्दी और नमक। सिर्फ यही 3 मसाले इसमें जाएंगे क्योंकि ये हमारी बेस करी है। हम जो फाइनल इसको बनाते हैं, लाइक अगर मेरे पास जोमैटो का ऑर्डर आता है तो मैं ये करी को हमेशा मॉर्निंग में पहले बना लेती हूँ और उसके बाद इसको मैं फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ। हम ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं करते हैं इस करी को, इसे हम डेली बनाते हैं। और डेली जितना अभी मैं आपको ये करी दिखाऊँगी उतना ही करी मैं डेली बनाती हूँ, डेली ऑर्डर्स आते हैं और वो निकल जाती है। इसी करी से मैं मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर और पनीर बटर मसाला की सब्जी बना देती हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढककर पकाया और जब इसको आपको 1 से 2 मिनट तक पकाना है, टमाटर को थोड़ा मशी करना है, थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड कर देंगे और टमाटरों को इसको अच्छे से मशी कर देंगे। उसके बाद इसको वापस से आप ढक दीजिए और ठंडा होने दीजिए। जब पूरी तरह से ये ठंडा हो जाएगा ना, तब आपको इसको ग्राइंड करके महीन प्यूरी बना लेनी है। अब ये पूरी तरह ठंडा हो चुका है तो इसको मैं ब्लेंडिंग जार में डालकर इसका प्यूरी बना लूँगी। मैं घर से जोमैटो के साथ टाई अप करके फूड बिजनेस करती हूँ, तो उसके लिए मुझे एक ऑर्डर को रेडी करने के लिए 15 से 20 मिनट ही मिलते हैं। तो अगर मेरे पास शाही पनीर का ऑर्डर आता है तब मैं फटाफट से तो उस टाइम पर करी नहीं बना सकती, तो मैं इस तरह बना के रखती हूँ डेली सुबह। इस तरह से देखिए मैंने इसको पूरी तरह पीस लिया। अभी सबसे मेन काम, क्यों ये इतना सिल्की स्मूथ लगती है यहाँ पे, अब आपको इसको छानना है। छानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जितने भी रेसिडुअल्स हैं ना वो मुंह में आते हैं, फिर वो बढ़िया स्वाद नहीं लगता। आपको रेस्टोरेंट स्टाइल अगर चाहिए ना बेस, तो वो ये है। अभी आपने देखा मैंने इसमें कोई काजू ऐड नहीं किया था, कोई मूंगफली ऐड नहीं की, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। जब हम बाजार में खाते हैं ना, वो कुछ भी ऐसा ऐड नहीं करते, अगर वो ये सब ऐड करेंगे तो कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए जितना भी रेसिडुअल है इसको हम थ्रो कर देंगे, बिल्कुल ये वेस्ट है। और हमारे पास सिल्की स्मूथ करी का बेस बनके तैयार है। अब ये बेस हमारा रेडी है, अब ये मैं बिल्कुल फ्रिज में इसको स्टोर कर लूँगी। अब जैसे ही मेरे पास ऑर्डर आया पनीर बटर मसाला 1 प्लेट का, या फिर थाली हम लोग सर्व करते हैं उसमें एक डिश हम पनीर की ज़रूर देते हैं, तो जिस भी तरह की पनीर की सब्जी का ऑर्डर आता है बस यही करी को नीचे तड़का लगाते हैं। ऑयल में थोड़ा सा हम लोग तड़का लगाते हैं सूखे मसालों का और उसके बाद इसको डालते हैं। और टेस्ट में अगर पनीर बटर मसाला है हल्का सा मीठा कर देंगे, शाही पनीर है हल्का सा स्पाइस कर देंगे। तो इस तरह से देखिए ये वाला बेस जो है ये रेडी है। आप घर पर भी इस बेस के साथ पनीर की सब्जी बना सकते हो। इजी पीजी रेसिपी है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।